हेलो मूवियंस, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एसवशॉट्स। तो आज मैं आपको गली बॉय इस मूवी की स्टोरी बताने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मुराद अपने दोस्तों के साथ एक कार चोराता है। मुराद एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है। उसे रैप लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसने कभी भी रैप परफॉर्म नहीं किया होता है। उसके मम्मी और पापा की जो रिलेशनशिप है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उसके पापा हर वक्त गालियाँ देते रहते हैं। मुराद की एक गर्लफ्रेंड भी होती है, उसका नाम होता है सफीना। सफीना और मुराद कई सालों से साथ में होते हैं, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखते हैं। सफीना एक सर्जन बनना चाहती है उसके पापा की तरह, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है वो उसको ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते। सफीना के मुताबिक उसको जो फ्रीडम चाहिए वो फ्रीडम उसके पेरेंट्स उसे नहीं देते। सफीना मुराद के लिए बहुत ज़्यादा पागल होती है। वो मुराद के लिए ओवर प्रोटेक्टिव भी होती है। अगर किसी लड़की ने मुराद को मैसेज भी किया तो सफीना उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उस लड़की के साथ फाइट करती है। एक दिन अपने कॉलेज के इवेंट में मुराद एमसी शेर को देखता है। एमसी शेर को रैप करता हुआ देख मुराद उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो एमसी शेर से बात करता है। एमसी शेर उसे एक अंडरग्राउंड इवेंट में आने के लिए कहता है। मुराद उधर जाता है। मुराद एमसी शेर को अपने लिखे हुए लाइन्स दिखाता है। एमसी शेर उसे परफॉर्म करने के लिए बोलता है। स्टार्टिंग में तो वो नहीं कर पाता, लेकिन बाद में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अच्छे से रैपिंग करता है। इसके बाद मुराद को पता चलता है कि उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। इसके कारण उसके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। मुराद की माँ और उसके पूरे घर वाले मुराद के पापा से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। मुराद इस टेंशन से बाहर निकलने के लिए रैप लिखता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके पापा को इंजुरी आ चुकी है, इसलिए उसके पापा की जो जॉब है ड्राइविंग की उसमें वो जाता है ताकि वो अपना घर चला सके। मुराद उधर अमीरी और गरीबी का डिफरेंस देखता है और अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसको रैप में लिखता है। अब क्योंकि मुराद अच्छे से परफॉर्म करने लगता है, इसलिए एक दिन वो एमसी शेर के गाइडेंस के अंडर एक सॉन्ग बनाता है, उसे यूट्यूब पे अपलोड करता है। बहुत लोगों को वो सॉन्ग अच्छा लगता है। ऐसी एक लड़की जिसका नाम होता है स्काई, वो उन्हें कॉन्टैक्ट करती है। स्काई उन्हें ऑफर देती है एक सॉन्ग बनाने का। स्काई एक म्यूजिक स्टूडेंट होती है और उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होता है। वो तीनों मिलके एक सॉन्ग बनाते हैं जिसका नाम होता है गली में। उसे यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। उसे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, लेकिन वो सॉन्ग मुराद के जो पापा है वो भी देख लेते हैं। मुराद के पापा को बहुत गुस्सा आता है, वो मुराद को बहुत मारते हैं और उसे कभी भी रैपिंग ना करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मुराद अभी भी अपनी रैपिंग शुरू रखता है। धीरे धीरे मुराद स्काई के क्लोज आता है। एक दिन मुराद और स्काई दोनों साथ में रात बिता देते हैं। मुराद दूसरे दिन सफीना से झूठ बोलता है। बाद में जब स्काई मुराद को अपने दिल की बात कहती है तब मुराद उसे रिफ्यूज़ कर देता है और वो कहता है कि वो बस सफीना से प्यार करता है। फिर उनके गली में सॉन्ग की जब सक्सेस पार्टी होती है तब सफीना को स्काई और मुराद के बारे में पता चलता है। सफीना स्काई को एक बॉटल से सिर पे मार देती है, तो इसकी वजह से मुराद को बहुत गुस्सा आता है और वो सफीना के साथ ब्रेकअप कर लेता है। तो दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या आपको सफीना जैसी ओवर प्रोटेक्टिव गर्लफ्रेंड चाहिए या नहीं, और अगर आप लड़की होंगे तो क्या आपको ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या नहीं। तो मैंने ऊपर पोल दिया है, आप उधर वोट कर सकते हैं। एक दिन मुराद के पापा और मम्मी में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। उसके पापा उसके मम्मी को बहुत मारते हैं। मुराद को गुस्सा आता है और मुराद अपनी माँ और अपने भाई के साथ उस घर को छोड़ देता है। मुराद अपने दोस्तों के साथ गाड़ी चुराता है और उसे बेच के पैसे कमाते हैं, और उस पैसों से अपनी माँ अपने भाई को एक घर में लेके जाता है। उसके जो मामा होते हैं उनके उधर जॉब करता है। फिर उसे नैज नाम के इंटरनेशनल रैपर के कॉन्सर्ट के बारे में पता चलता है। उधर एक कॉन्टेस्ट के बारे में दिया होता है, जो भी उस कॉन्टेस्ट को जीतेगा वो नैस के साथ उस कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर पाएगा। मुराद उस कॉन्सर्ट के लिए प्रिपेयर करता है। मुराद राउंड वन के लिए जाता है। वो अपनी जॉब को छोड़ देता है रैपिंग के लिए। इसके बाद जब वो राउंड वन में जाता है तब जो एमसी शेर है वो हार जाता है, लेकिन मुराद जीत जाता है। मुराद के पापा रात को आते हैं और वो अपने बेटे को कहते हैं कि वो रैप ना करे और अपनी जॉब में वापस चला जाए, लेकिन मुराद नहीं मानता। इसके बाद मुराद को पता चलता है कि सफीना की शादी उसके पापा मम्मी करने वाले हैं। मुराद सफीना को कॉल करता है और वो सफीना से कहते हैं कि वो किसी के साथ भी शादी ना करे। इस तरह सफीना और मुराद दोनों वापस साथ में आ जाते हैं और राउंड टू होता है, जिसमें मुराद अपना टाइम आएगा ये गाना परफॉर्म करता है। मुराद वो राउंड जीत जाता है और जो पूरा कॉन्टेस्ट है उसके कारण मुराद को लास्ट में नैच के साथ कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने मिलता है। मुराद के पापा भी उस कॉन्सर्ट में होते हैं और वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं। लास्ट में सब न्यूज़ चैनल्स में मुराद के बारे में बताया जाता है और मुराद फेमस हो जाता है। इसके साथ फिल्म खत्म हो जाती है। सो थैंक यू मूवियंस ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो इस चैनल पे जो वीडियोस बहुत ही अच्छी मूवीज़ की होती है उन्हें मैं ESV बाइट्स करके नाम देता हूँ, और जिन मूवीज़ की स्टोरी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ उन्हें मैं ESV शॉर्ट्स करके नाम देता हूँ। तो ESV बाइट्स की प्लेलिस्ट के लिए ऊपर क्लिक कीजिए और ESV शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट के लिए नीचे क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।